मलिक अब बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मलिक के ऊपर मुंबई को दहलाने वाले आरोपियों से जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। हालांकि ये आरोप पहले भी लगाए जा चुके थे, लेकिन जांच जो है वो अधूरी थी। और एक बार फिर से अब जो कि ईडी लगातार मुंबई में दाऊद कनेक्शन ढूंढने में लगी हुई है, दाऊद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो ऐसे में सूत्र लगातार ये बता रहे हैं कि दाऊद के भाई जो अभी ईडी के कस्टडी में है, इकबाल कासकर ने नवाब मलिक का नाम लिया है। तो नवाब मलिक अभी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 5 से 5.25 घंटों से ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। मुंबई को दहलाने वाले लोगों से मलिक के संबंध है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। 5 घंटों से ईडी पूछताछ कर रही है। नवाब मलिक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हो सकता है कि किसी भी वक्त नवाब मलिक को इस संबंध में गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी, मुंबई में डी कंपनी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए ने एफआईआर में साफ तौर पर कहा था कि मुंबई को दहलाने की साजिश की जा रही है। ऐसे में लगातार ईडी अलर्ट और एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी संदर्भ में एनसीपी नेता नवाब मलिक से आज सुबह उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, और पिछले 5 घंटों की लंबी पूछताछ अभी भी जारी है। राजनीतिक हलचल अभी भी तेज है। शरद पवार कहते हैं कि नवाब मलिक मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका दाऊद कनेक्शन है। साथ ही भाजपा नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। नवाब मलिक काफी मुश्किलों में पड़ सकते हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ खत्म होने का इंतजार, ईडी क्या पूछताछ कर रही है नवाब मलिक से, इसके बारे में अभी तक फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई।